रात होते ही कुत्तों को अक्सर आपने रोते हुए सुना होगा, भौंकते हुए सुना होगा। डरावनी फिल्मों में भी नाइट सीन्स में बैकग्राउंड म्यूजिक में कुत्तों की आवाज आपको जरूर सुनने को मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रात के वक्त कुत्ते रोते क्यों हैं, क्यों भौंकते हैं? आज जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ओके में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि कुत्तों को रात के वक्त प्रेत आत्माएं दिखाई देती हैं जो कि इंसानों को नहीं दिखाई देती। कुछ लोगों का मानना यह भी होता है कि अगर अचानक कुत्ते रोने लगे तो ऐसा माना जाता है कि उस घर में किसी की मौत होने वाली है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर इन बातों में सत्यता का कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता, ये बस माने जाने वाली बात है। चलिए अब बात करते हैं साइंटिफिक तौर पर कुत्तों के भौंकने को कैसे देखा जाता है। तो कुत्तों का एक सामाजिक दायरा होता है, जैसे हम इंसानों का होता है। कुत्तों को अक्सर आपने झुंड में देखा होगा। कुत्तों के भी दोस्त होते हैं, फैमिली होती है, और कुत्तों का भी एक निश्चित एरिया होता है, इलाका होता है जहां वे रहते हैं। तो होता क्या है कि कई बार जब उनके इलाके में किसी दूसरे इलाके का कोई कुत्ता आ जाता है तो वे उसे देखकर भौंकना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में इसे भौंकना नहीं, हाउल करना कहते हैं। ऐसा करते वक्त वे अपने साथी दूसरे कुत्तों को मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि देखो हमारे एरिया में कौन नया कुत्ता घुसाया है। साथ ही उस दूसरे कुत्ते को जो उनके एरिया में घुसाया होता है उसे भगाने की कोशिश करते हैं और भौंकने लगते हैं, जबकि छोटे कुत्ते समय पर रोने लगते हैं। कई बार कुत्ते अपने साथी से जब बिछड़ जाते हैं तब भी वे हाउल करते हैं और हाउल करने की तीव्रता को घटाते बढ़ाते रहते हैं। इससे उनका साथी कुत्ता जानने की कोशिश करता है कि आखिर उसका दोस्त है कहाँ। तो इस तरह कुत्ते के भौंकने को या रात के वक्त रोने को प्रेत आत्माओं के होने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, वे बस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हालांकि कई सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स अब भी ये मानते हैं कि कुत्ते अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। ये महसूस कर पाने के लिए कुत्तों के पास सिक्स्थ सेंस होता है, जिससे कि वे उस नेगेटिव एनर्जी यानी प्रेत आत्माओं को देख पाते हैं, फील कर पाते हैं। दोस्तों, न सिर्फ कुत्ते बल्कि बाकी जीव भी अपनी आवाजों से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे सुबह पक्षियों की चहचहाट, मुर्गियों का कुकड़ू करना, ये सब आपस में एक तरह से कम्युनिकेशन ही कर रहे होते हैं। कुत्तों के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब भी भूकंप या सुनामी आने वाली होती है कुत्तों को इस बात का आभास हो जाता है, वे इसका पूर्वानुमान लगा लेते हैं और भौंकने लगते हैं। हर बार कुत्तों के भौंकने को कम्युनिकेट करना नहीं माना जा सकता, कई बार वे गुस्से में या चिढ़कर भी ऐसा कुछ करते हैं। वैसे ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है, जिससे कि वे अपने इमोशंस को जाहिर कर रहे होते हैं। कुत्तों को सबसे वफादार जानवरों में गिना जाता है। कुत्तों के सूंघने की क्षमता भी सबसे तेज मानी जाती है, इसीलिए पुलिस में, फौज में उन्हें रखा जाता है और इसके लिए उनकी स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है। भारत की आर्मी में आज 1200 से भी ज्यादा डॉग्स हैं। इनमें जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, बेल्जियन शीप डॉग और कई अन्य तरह के लोकल डॉग्स की ब्रीड्स हैं। आतंकवादियों के ठिकाने ढूंढने, बम ढूंढने जैसे कामों में डॉग्स आर्मी की मदद करते हैं। आर्मी के कई सारे मिशंस में कई आर्मी डॉग्स शहीद भी हो चुके हैं। उनके शहीद होने के बाद उन्हें आर्मी के किसी जवान की तरह ही श्रद्धांजलि दी जाती है। अगर आप डॉग से नफरत करते हैं, डर जाते हैं, दिखते ही पत्थर मारने की कोशिश करते हैं, तो अब से मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने अगर किसी डॉग को रोटी खिला दी तो ताउम्र वो आपका वफादार रहेगा। जानवरों से प्रेम कीजिए, इनफैक्ट सबसे प्रेम कीजिए, अपने दुश्मनों से भी। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए ज्ञान के साथ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। नमस्कार।